तो नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। तो वो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कोई जानकी करके आए हैं, कोई जानकी पीछे कर से कोई आए हैं। वो बोल रहे कि खेत में घास किसी को दे रखा है आपने, मैं काट लूं। बस ना ना बोला नहीं तूने? कुछ नहीं बोला मैंने, पूछना आई हूँ मैं आपसे। अच्छा, मैंने कहा मम्मी के पैर में दर्द हो रही है, वो चल नहीं पा रहे। जानकी तो वही होगी। गोबर बोला है क्या आपने उनको? कल से मम्मी भी बहुत बीमार हो रखी है। मम्मी के पैर में किसी नस में बहुत दर्द हो रही है, मम्मी चल भी नहीं पा रही है, तो मम्मी का बेड रेस्ट चल रहा है। चलो हॉस्पिटल आए। यार रोज जिस दिन मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कोई ना कोई घंटी बजा ही देता है, तो देखते हैं कौन आया। दिख तो कोई नहीं रहा। घंटी किसने बजाई? अंदर है। अरे वो क्या हुआ ना, मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रही हैं। कुछ काम था बता दो मुझे। अबे मैं बोल के ना, जानकी आई है घर के, जाना हाँ वो समझ जाएंगे, पीछे रहती हैं वो। कह रहे थे कि आप गोबर ले जाना, इसमें से घास किसी को दे रखा है, मैं काटूं करके गए थे उनके भैया का। अच्छा जानकी ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो आज के नाश्ते में गर्मा गर्म कचौड़ी बनाई है। कल रात के आलू बच गए थे, तो उसका उपयोग करके सुबह सुबह जो है हमने इनमें आलू भर के कचौड़ियाँ बना दी है, यानी कि आलू वाली आलू भर के पूरियाँ। तो ये नाश्ता करते हैं। और बनाया है मैंने शेक। आज नाश्ता मैंने ही बनाया क्योंकि मम्मी तो बीमार हो रही है, तो हम करते हैं नाश्ता। लो साथ में ले जा बेटा, वहाँ दुकान में कोई घुस जाएगा। अरे वहीं ले जाओ ना, पैक कर दिया है मैंने। जा वहीं ले जा। अरे क्या हो गया तेरे को, लेट हो जाएगा ना। तो आज तो आ रखी है धूप, तो मैं जो है छत में गेहूँ डाल के आती हूँ क्योंकि हमारा आटा ख़त्म होने वाला है। तो मैं डाल के आती हूँ गेहूँ। तो हमारे वहाँ जो चिड़िया ने अंडे दे रखे थे, अब उसमें तीन चिड़ियाँ हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। तो अभी तो उसमें जो है वो बड़ी वाली चिड़िया बैठी है, यानी कि बच्चों की मम्मी बैठी है। तो मैं अभी तो आपको दिखा नहीं पाऊँगी, जब वो उड़ जाएगी ना तो वो मैं तब दिखाऊँगी आपको कि कैसे दिख रहे हैं। अभी उसमें चिड़िया की मम्मी बैठी है, नहीं दिख रही यार। इसने घोंसला ऐसे अंदर अंदर को बनाया है ना, पत्तों से छुप जाता है। तो मेरा ये इतना बन गया है, इतना तैयार हो गया है। तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी क्योंकि उसकी भी अलग से वीडियो बन रही है। तो जब पूरी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चिड़िया अभी जा चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, तीन बच्चे उड़ के चिड़िया के, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना ये अजीब से मांस के टुकड़े जैसे। ये देखो हिल रहे हैं, मतलब इनमें जान है अभी। हाय कितने अच्छे लग रहे हैं तीन। तो देखा आपने तीन चिड़िया के बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना वो अजीब जैसे ना, उनके पंख है अभी, एक खाली एक मांस के टुकड़े जैसे लग रहे हैं। बस भगवान करे बिल्लियों की नज़र ना जाए उनमें, अभी तक तो नहीं गई है। वैसे हमारे घर पे ज़्यादा बिल्लियाँ आती नहीं हैं, तो कभी अगर गलती से अगर किसी भी चिड़िया की नज़र गई ना, सॉरी बिल्ली की नज़र इनमें गई तो बहुत दुख होगा। तो भगवान बिल्ली को मत भेजना हमारे घर पर। तो आज भी हमारे गेहूं सूखने से ऐसे ही रह गए, बट गेहूं सूख गए थे, मैं ले आई थी इनको टाइम से। आगे सामने पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है बारिश में नहाने का, लेकिन मम्मी मना कर रही है, बोल रही है कि तू बीमार पड़ जाएगी, बुखार आ जाएगा, फिर कल से कॉलेज जाना भी होता है, कैसे जाएगी। हाय कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो आज बारिश के मौसम में हमने बनाई है भक्की चुड़कानी, वाओ, और चावल बन रहा है। हे गुड इवनिंग गाइस, तो हो चुकी है शाम, बनाते हैं चाय, चाय पीते हैं और
बाहर दिन में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो पहले बना लेती हूँ चाय, फिर जाती हूँ बाहर। मम्मी बाहर पे गेहूँ साफ कर रही है, तो चलते हैं बाहर। मम्मी बड़ी मुश्किल से यहाँ बैठ पाई, तो मैं चलती हूँ गेहूँ पिसवाने के लिए, फिर आती हूँ घर। कौन कहेगा दिन में उतनी तेज़ बारिश हो रही थी, देखो अभी अभी इतना तेज़ धूप, इतना तेज़ घाम लग गया घाम। तो मैं चक्की से आ गई हूँ, थोड़ी देर पहले दिया था, फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आ जाना, वैसे अभी रुक जाओ भी कह रहे थे वो, लेकिन मैं पैसे नहीं लेके गई थी इसलिए मैं दोबारा गई लेने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ।